नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त लगभग 400 प्राइवेट कर्मचारियों को हटा दिया है। आप सरकार ने एलजी के फैसले का विरोध किया और कहा वे इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। यही नहीं, आपने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनका काम सिर्फ दिल्ली वालों को परेशान करना है। दिल्ली सरकार का कहना है कि एलजी के पास कर्मचारियों को हटाने का कोई अधिकार नहीं है, वह गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनका काम दिल्ली सरकार को पंगु बनाने के लिए हर दिन नए तरीके ढूंढना है ताकि दिल्ली के लोगों को परेशानी हो। सोमवार को आपकी तरफ से जारी बयान में कहा गया, एलजी ने इन 400 प्रतिभाशाली युवा प्रोफेशनल्स को केवल इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ जुड़ने का फैसला किया। एलजी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। बिना स्पष्टीकरण के ऐसे फैसले लेना गलत है। दिल्ली सरकार ने अपने विभिन्न विभागों में आईआईएम अहमदाबाद, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एनएएलएसएआर जेएनयू, एनआईटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज जैसे टॉप कॉलेजों से फेलो रखे थे। उपराज्यपाल ने कहा कि इन भर्तियों में निर्धारित एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया। यही नहीं, इन पदों पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नियमों का पालन नहीं करते। इसके बाद सेवा विभाग ने मामले की जांच की और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में हेरफेर की जानकारी दी। विभाग ने एलजी को इन कैंडिडेट को बर्खास्त करने का प्रस्ताव दिया। उपराज्यपाल सक्सेना ने रविवार को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में लगे 400 निजी कर्मचारियों को यह कहते हुए हटा दिया कि ये व्यक्ति गैर पारदर्शी तरीके से और संबंधित अधिकारी की मंजूरी के बिना लगे हुए थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।